Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to preview and prediction of My Lovely Liar episode 11. तो गाइस प्रीव्यू प्रेडिक्शन में पहले प्रीव्यू के बारे में बात कर लेते हैं, फिर एंड में डिस्कस करेंगे कि पास्ट एपिसोड में क्या अच्छा था क्या बुरा था और अगले एपिसोड में या फिर आने वाले अपकमिंग एपिसोड्स में क्या होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो शुरू करते हैं हमारा प्रीव्यू ऑफ एपिसोड नंबर 11। तो नेक्स्ट एपिसोड में जैसे हम प्रीव्यू में देख रहे हैं, किम दुआ को एक नंबर से कॉल आएगा और उसे पता चलेगा कि उमची की बॉडी हक्शन के हिल्स पे से मिली है, ओशन में से नहीं, और उसका कॉर्प्स मिल चुका है। तो जब कॉर्प्स मिल जाएगा उन लोग ओमो को भी इन्फॉर्म कर देंगे और ओमो ये सुन के बहुत इमोशनल हो जाएगा गाइस, बिकॉज अभी तक भी उसको उम्मीद थी कि उमजी हो सकता जिंदा हो, बट अब तो पक्का हो गया है कि हाँ उसके सिस्टर का मर्डर हुआ था 5 साल पहले। बट उसका मर्डर किया किसने अब ये बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है, बिकॉज किम दुआ तो सबको पता है कि उसने नहीं किया था, वो खाली सस्पेक्ट था उस चीज के लिए। तो जब रिमेन्स मिलेंगे ये केस वापस से खुलेगा और डिटेक्टिव क्वार्क जो पहले भी था इस चीज में डिटेक्टिव, वो वापस से इस चीज में थोड़ा इन्वेस्टिगेट करेगा और उसको उस रिमेन्स में से एक रिंग मिलेगी और ये वही रिंग होगी जो किम दुआ और उमजी एज ए कपल रिंग पहनते थे। तो डिटेक्टिव क्वार्क को जब वो रिंग मिलेगी तो वो किम दुआ को बुला के पूछेगा कि क्या उसके पास ये रिंग है या फिर ये रिंग का हुआ क्या। तो किम दुआ नेक्स्ट एपिसोड में बोलेगा कि उसने वो जो रिंग थी उसे ओशन में फेंक दी थी हक्चन के, और अभी तक भी जो किम दुआ एकदम पीसफुल लाइफ जी रहा था थैंक्स टू मुक्सोली और वो नेबरहुड, अब उसकी लाइफ बिल्कुल पीसफुल नहीं रहेगी, बिकॉज लास्ट एपिसोड में हमें रियलाइज हुआ था कि दो लोग ने उसे पहचान लिया है कि ये किम दुआ नहीं किम सोंगजू है। तो नेक्स्ट एपिसोड में जब उमजी के रिमेन्स वापस से मिलेंगे ये पूरा केस वापस से ओपन हो जाएगा और किम दुआ जो एक नॉर्मल से लाइफ जी रहा था उसका रियल सेल्फ रिलीज हो जाएगा कि वो किम समझू है और सारे मीडिया वाले वहां आ जाएंगे, और इसके वजह से मे भी हो सकता है कि किम दुआ फॉर टाइम बीइंग योनसोदोंग से शिफ्ट हो जाए मुक्सुल के घर के बाजू में से। उमो भी नेक्स्ट एपिसोड में हम देख सकते हैं कि वापस से किम दुआ के ऊपर अटैक करने का ट्राई कर रहा है वो बिल्डिंग के अंदर आके, तो गुड चांसेस है कि किम दुआ से शिफ्ट हो जाएगा फॉर अ टाइम बीइंग। और जैसे कि हमने प्रीव्यू में देखा किम सोंगजू की जो मदर होती है वो एक पेपर को श्रेड करती है, अब मुझे पता नहीं वो लेटर है या फिर किस चीज का पेपर है, वो जो भी है वो उसको श्रेड करती है। और गाइस जब पब्लिक को पता चलेगा कि किम दुआ ही किम सोंगजू है, दो चोन उसके साथ सारे टाइज कट कर देगा, दो वो खाली दिखा रहा है उसे पर्सनली किम दुआ के साथ कोई टाइज कट नहीं करनी है, बट वो पब्लिक में अनाउंस कर देगा कि वो किम दुआ के साथ और कोई काम नहीं कर रहा है और वो लोग और काम नहीं करेंगे उसके साथ। तो गाइस ये तो था प्रीव्यू ऑफ अपकमिंग एपिसोड एपिसोड नंबर 11। अब वक्त है प्रेडिक्शंस का। यस गाइस ये चीज प्रेडिक्ट करने का कि आने वाले एपिसोड में होने क्या वाला है। पहली चीज, हमें सबसे ज्यादा शक हुआ पास्ट टू एपिसोड्स देख के दोक्चन पे और किम दुआ के मदर पे। ये तो हमें पता ही है स्टार्टिंग से कि किम दुआ की मदर अच्छी तो है नहीं, इवलिश है थोड़ी, बट मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे दोक्चन जैसे पॉजिटिव कैरेक्टर पे एंड में शक हो सकता है, बिकॉज पास्ट टू एपिसोड में दिख के ऐसा आया है। जैसे कि हमें पता है मुक्सोली को जब वो कॉन्ग्रेचुलेट करता है उसके और किम दुआ के डेटिंग न्यूज पे, मुक्सोली का उसका कॉन्ग्रेचुलेशन एज अ लाइ सुना देता है, बट ऐसा क्यों होता है ये प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है। क्या वो सच में खुश नहीं है, बिकॉज फ्रॉम स्टार्टिंग उसको दोहा का वेल विशर बताया है और जब वो फाइनली किसी को डेट कर रहा है और अपनी लाइफ में खुश है तो उसे क्या प्रॉब्लम है जो उसका कॉन्ग्रेट्स करा हुआ कॉन्ग्रेट्स नहीं सुनाई दे रहा है किसी को। और मल्टीपल ओकेशन में हम देखते हैं कि दोक्चुन कितना फ्रस्ट्रेट होता है दोहा की चीजों से लेके, और उसके बिहेवियर में सबसे ज्यादा सस्पिशियस पास्ट टू एपिसोड में मुझे ये लगा जिस तरह से कोऑर्डिनेट करता है किम दुआ की मदर से किम दुआ को मैनेज करने के लिए। हमें ये बात अच्छे से पता है कि उसने किम दुआ के लिए एविडेंस फैब्रिकेटेड एविडेंस तैयार किया था ताकि उसका नाम क्लियर हो पाए और वो जेल से बाहर आ पाए। और ये भी हो सकता है गाइस कि मे बी वो जस्ट अपसेट है बिकॉज किम दुआ ने उसको बोला है कि वो उसके साथ काम नहीं करेगा इन फ्यूचर। किम दुआ के बोलने के पीछे खाली पॉजिटिव रीजन थे कि उसको सोली के साथ टाइम स्पेंड करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, और वी नेवर नो कि फ्यूचर में पता चल गया कि किम दुआ ही किम सोंगजू है तो दोक्चुन की कंपनी के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। तो ये सब चीज अवॉइड करने के लिए किम दुआ से एडवाइस करता है, बट मुझे लगता है कि दोक्चुन इस चीज को दिल पे लेगा और इस चीज की वजह से वो मुक्सोली और उसके रिलेशन से खुश नहीं है, बिकॉज जब तक वो किसी के साथ भी रिलेशन में नहीं था वो उसके लिए काम करता था और उसकी कंपनी के लिए काफी प्रॉफिट बनाता था। बट एक बार अगर किम दुआ छोड़ देगा उसकी कंपनी को हो सकता है उसकी कंपनी लॉस में चले जाए और दोक्चुन को ये बात अच्छी नहीं लग रही है। गाइस ये मेरा खाली प्रेडिक्शन है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, हो सकता है इससे भी ज्यादा डीप रीजन हो या भी हो सकता है दोक्चुन का कोई रोल ही ना हो आगे। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट किम दुआस मदर, किम सोंगजूस मदर। ये लेडी स्टार्टिंग से बहुत सस्पिशियस दिख रही है, तो प्रॉब्ली इसका फ्यूचर में क्या रोल हो सकता है। जैसे कि हमें पता है किम दुआ ने उमजी का मर्डर नहीं किया, तो उमजी का मर्डर किया किसने? या तो उमजी का मर्डरर कोई अननोन है या तो दुआ के सराउंडिंग में से ही किसी ने उसका मर्डर किया है, ये एक बात पक्की है गाइस। तो पॉसिबली कौन है वो पर्सन? क्या वो किम दुआ की मदर है? क्या वो दोक्चुन है? बट पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दोक्चुन नहीं है। तो गुड चांसेस है कि एंड तक हमें पता चलेगा कि किम दुआ की मदर है जिसका उमजी के मर्डर में हाथ है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गाइस वही मर्डरर है उसकी मदर,
बट हो सकता है कि उसका हाथ हो जो उमजी के साथ हुआ उसमें। मे बी वो चाहती होगी पहले पास्ट में 5 साल पहले जब उसका मर्डर हुआ कि वो किमदोआ से दूर हो जाए, बिकॉज उसकी मदर को हमेशा से पब्लिक फिगर बताया है। वो चाहती होगी कि किमदोआ से वो लड़की दूर रहे बिकॉज उसका ट्रबल्ड बैकग्राउंड था, जैसे कि हमें पता है ये बात अच्छे से कि उसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है उसकी फैमिली अच्छी नहीं होती है। तो ये सब चीज देख के मे बी उसकी मदर को चाहिए होगा कि वो उसकी लाइफ से दूर हो जाए किमदोआ के, और इसके लिए उसने कुछ किया हो, बट इन द एंड रिजल्ट कुछ और ही निकल के आता है, उसका मर्डर हो जाता है और इस चीज में किमदोआ फंस जाता है। तो गाइस दैट्स इट, बिकॉज मेरे पास तो काफी थियरीज है उसकी मदर को लेके और दोकचुन को लेके कि किस तरह से वो लोग हो सकता है उमजी के मर्डर में इन्वॉल्व हो, बट मैं ये वीडियो में कवर नहीं करूंगी। मे बी अपकमिंग डेज में मैं एक थियरी वीडियो प्रेडिक्शन वीडियो अपलोड कर, बिकॉज पास्ट में जो मैंने थियरी वीडियो बनाया था वो सम वॉट मतलब सही थे बट थोड़ा वेस्ट हो गई मेरी थियरीज। तो जो न्यू थियरीज है मैं उसके ऊपर हो सकता है बना के डाल दूं। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मेक श्योर टू चेक आउट माय चैनल, बिकॉज मैं एक्सप्लेनेशन बनाती हूँ कोरियन मूवीज और के ड्रामास के ऊपर और प्रीव्यू प्रेडिक्शन तो मैं बनाती रहती हूँ। तो गाइस दैट्स इट, मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी। अंटिल दैट टाइम अनयोंग।